एडवोकेट प्रिंस बिजनौर और विकास कुमार छपरौली, प्लीज गेट रेडी फॉर नेक्स्ट बाउट। प्रिंस इन रेड कॉस्ट्यूम, विकास कुमार इन ब्लू कॉस्ट्यूम, प्रिंस रिप्रेजेंटिंग बिजनौर, विकास कुमार रिप्रेजेंटिंग छपरौली। उंगलियां अपने आप छोड़ दिया, उंगलियां उलझाना, सिर से सिर टकराना, ये बहुत सीरियस पैसिविटी मानी जाती है आज की तारीख में कुश्ती में। नहीं करते हैं वहां, बाहर के मुल्कों में हमने देखा है कि नहीं ज्यादा इंतजार करते, एक वार्निंग देते हैं, दूसरा कॉशन देते हैं, पॉइंट देते हैं, छुट्टी करते हैं, इंतजार नहीं करते। हम लोग फिर भी इंतजार करते हैं, लीनियंट है इसमें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वह नहीं करते वेट। ये कॉन्टैक्ट बहुत बढ़िया, टेक डाउन और दो पॉइंट बहुत बढ़िया। ये हरअंदाज का ग्रिप भी लिया हुआ है, कोशिश भी की थी, हाफ हार्टेडली अटैक था, स्टैंडिंग में कुर्सी चलाने का आदेश, रेफरी विवेक कुमार जी डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर है रामपुर के अंदर, और कुलवीर जी कर रहे हैं मैच चेयरमैन का कार्य, टाइम देख रहे हैं श्री कैन साहब और जज हैं श्री जेपी यादव जी जो कुश्ती कोच हैं मेरठ में। अंक बनाने का प्रयास करें दोनों पहलवान, अच्छे कॉन्टेक्ट्स अच्छे टेक्निक्स का प्रदर्शन करें, उंगलियां उलझा के कुश्ती बना दो, हाँ अपने आप छोड़ दिया करें। और ये ले समय समाप्त हुआ, 0-0 है ना वो साहब, 0-0 है, पॉइंट है, पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट, 0-2 के स्कोर पर ये कुश्ती चल रही है। एक कॉन्टेक्ट के फलस्वरूप तो मिले थे बिलू को, इसके बाद प्रिंस बिजनौर और विकास कुमार छपरौली तैयार रखते हैं आपको।
कांटेक्ट अच्छा करें, दोनों पहलवानों से निवेदन है। काला छपरानी और अनिकेत गाजियाबाद, इनको बता दो बोल सब यहाँ। जब तक ऑटो पे अटैक नहीं होता फ्री स्टाइल में, जब तक फ्री स्टाइल कुश्ती में नतीजे बहुत कम निकल पाते हैं। ये अंटिल अनलेस यू आर नॉट अटैकिंग अनलेस देयर इज नो रेसलिंग इन फ्री स्टाइल, ये मूल मंत्र है फ्री स्टाइल का। बहुत ही नीरस कुश्ती में इसको कहूंगा, चटपट कुश्ती नहीं होती, तेजी दिखानी चाहिए पहलवानों को। वाह वाह, कुछ अटैक बनाने चाहिए, अटैक्स को जनरेट करना पड़ता है। अटैक्स ऐसे नहीं आते अपने आप, उनको अपने ब्रेन को और अपने मसल्स को उन अटैक के साथ मिलाना पड़ता है, तब वो अटैक यहाँ रिजल्ट देते हैं। समय समाप्त, मिले हो कॉस्ट्यूम पहने हुए पहलवान,